हर एक दिल में है तामीर रोज़े सरवर, यजीद दफन कहाँ गए पता नहीं मिलता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जश्न का बाज़ाब्ता तौर से आगाज़ हो चुका है और ये खिले हुए मौलाई चेहरे मैं एक मतला चंद अशआर से आगाज़ कर रहा हूँ। जैसे जैसे आप बिना वसीले के ये सिलसिला नहीं मिलता, बिना वसीले के ये सिला नहीं मिलता। मुझे ऐसा पहली बार लगा है कि जैसे ही मैं मिसरा पढ़ूंगा फौरन चाय आ जाएगी। तो ज़रा सा चूँकि मौलूद हरम का जश्न है लगे आप मतलब सुन लीजिए उस भैया अहमद साहब। बिना वसीले के ये सिलसिला नहीं मिलता, बिना वसीले के ये सिलसिला नहीं मिलता। शेर सुनिए, शेर लगना चाहिए आप तक शेर पहुंचा है भैया। बिना वसीले के ये सिलसिला नहीं मिलता, अली न होते तो हमको खुदा नहीं मिलता। ये आपका काम है जो मैं पढ़ने जा रहा हूं। दिखाओ सीरत हैदर का आईना उनको, दिखाओ सीरत हैदर का आईना उनको, जो कह रहे हैं सही रास्ता देखिए मजमा माशाल्लाह बोल रहा है, मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। महफिल का माहौल हो गया है, बड़े भाई चंदन साहब भी बैठे हुए हैं। आप
को ऐसा लगेगा कि मेरे बाद शायद कि चंदन भाई ही पढ़ाए। शेर सुनिए, ये अकीदत का शेर है, पूरा मजमा बोलेगा। बिना वसीले के ये सिलसिला नहीं मिलता। शेर तो ये है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, भैया सुनो शेर। अमन भाई, हर एक दिल में है तामीर रोज़े सरवर, हर एक दिल में है तामीर रोज़े सरवर। यजीद दफन कहाँ गए पता हर एक दिल में है तामीर रोज़े सरवर, हर एक दिल में है तामीर रोज़े सरवर, हर एक दिल में है तामीर रोज़े सरवर। यजीद दफन कहाँ गए पता नहीं मिलता, यजीद दफन कहाँ गए शेर भैया। हर एक दिल में है तामीर रोज़े सरवर, यजीद दफन कहाँ है पता नहीं मिलता। शेर सुनिए, अकीदत का शेर, 11 मुहर्रम की आपकी अज़ादारी, पूरी दुनिया जानती है। शेर सुनिए, ये बात सच है कि उस घर में खाक उड़ती है, ये बात सच है कि उस घर में खाक उड़ती है, जहां हुसैन का फरिश्ते ये बात सच है कि उस घर में खाक उड़ती है, ये बात सच है कि उस घर में खाक उड़ती है, जहां हुसैन का फरिश्ते अजान अज़ा नहीं मिलता। एलिया भाई, शेर सुनो, कसम खुदा की ये मजमा बहुत अच्छा सुन रहा है, बहुत आसान कर देता हूँ, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको समझ में आ जाएगा। करोड़ों हुर तुम्हें मिल जाएंगे जमाने में, करोड़ों हुर तुम्हें मिल जाएंगे जमाने में, मगर जगह में को
भी बोलते रहिए अली 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 करोड़ों घर तुम्हें मिल जाएंगे जमाने में, करोड़ों घर तुम्हें मिल जाएंगे जमाने में, मगर जगह اب یہ مقطع کا شعر بہت کم ایسی منقبت ہوتی ہے جس میں میں مقطع کہتا ہوں لیکن اس میں کہا ہے میں نے ایمن بھائی چونکہ مقطع ہی شعر ہوا ہے علی کی مدحہ منور ہے شہد سے شیری علی کی مدحہ منور ہے شہد سے شیری ادھر دیکھئے گا دوسرا مصرع علی کی مدحہ منور ہے شہد سے شیری علی کی مدحہ منور ہے شہد سے شیری علی کی مدحہ منور ہے شہد سے شیری کسی کے ذکر میں ایسا مزہ نہیں ملتا کسی کے ذکر میں ایسا مزہ نہیں ملتا اب یہاں سے میں ایک بالکل نئی منقبت پڑھنا چاہ رہا ہوں بھیا پیش کرتا ہوں اب ذرا سا دیکھیں بہت ہو گیا ادھر ادھر مجھے دیکھتے رہیے جو شعرا آتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے اور ایک سلسلہ رہے گا انشاءاللہ بہت زیادہ دیر تک نہیں لیکن جتنی بھی دیر پڑھوں گا آپ ابھی تو وہ بھی بچا ہے جو پڑھنا ہے مجھے لیکن پہلے یہ سنیے جو آپ کے پوسٹر کی ہیڈنگ ہے سنیے گا مطلب ہم لوگ علی کے دیوانے تقدیر بنانے نکلے ہیں ہم لوگ علی کے دیوانے تقدیر بنانے نکلے ہیں ہم لوگ علی کے دیوانے تقدیر بنانے نکلے مولود حرم کی آمد گئے ہم جشن منانے نکلے دیکھئے بہت زیادہ اگر آپ پھول پھینک دیں گے ایک آگ
मुंह में भी जा सकता है, आंख में भी लग सकता है। आप बस दाद दीजिए, अपने दायरे तक रहिए, हाथों को बुलंद करते रहिए। हाँ जी, हम लोग अली के दीवाने तकदीर बनाने निकले हैं, हम लोग अली के दीवाने तकदीर बनाने निकले हैं। मौलूद हरम की आमद है, हम जश्न मनाने निकले हैं। मौलूद हरम की आमद है, हम जश्न मनाने निकले हैं। अब यहाँ से शेर सुनिए, ये ध्यान रहे, चाचा निकले हैं, ये ध्यान रहे। वो जिनके कल में अधूरे थे, वो जिनके कल में अधूरे थे, बरसों से कुफर के साथ रहे, ईमान अबू तालिब पर वो क्यों उंगली उठाने निकले गए। मिलके शेर है, हाँ वो जिनके कल में अधूरे थे, बरसों से कुफर के साथ रहे, वो जिनके कल में अधूरे थे, बरसों से कुफर के साथ रहे, ईमान अबू तालिब पर वो क्यों उंगली उठाने निकले हैं। ईमान अबू तालिब पर वो क्यों उंगली उठाने निकले हैं। शेर बहुत आसान है, आप जितना अच्छा सुन लेंगे उससे अच्छा कल परसों आप देख भी लेंगे। इस शेर को सुनिएगा। दहलीज़े अली से भटके हैं, दहलीज़े अली से भटके हैं, और चौकट चौकट फिरते हैं, दहलीज़े अली से भटके हैं, और चौकट चौकट फिरते हैं, गुमराह जमात ले करिए बस शोर मचाने निकले गए। हैदर भटके हैं, और चौकट चौकट फिरते हैं, गुमराह जमात ये लेकर बस शोर मचाने निकले गए, गुमराह जमात ये लेकर बस शोर मचाने निकले हैं। मैं कब से इंतजार कर रहा था आपका, आप आ गए हैं ना। शेर सुनो भैया, कसम खुदा की शेर हुआ है, आप आ जाएंगे मेरे पास शेर सुन के। कल गार में बैठ के जो रोया, कल गार में बैठ के जो रोया, इस दौर में उनके ही मुफ्ती, हैरत गए हमारे अश्कों पर वो फतवे लगाने निकले गए, हैरत गए हमारे
अशकों पर वो वक्त वे लगाने निकले हैरत है हमारे अशकों पर वो वक्त वे लगाने निकले भैया दो लफ्ज है वो सुनिए शेर बन गया है वो जलते गए अंगारों से वो जलते गए एक सलावत पढ़िए आप हजरात हैरत है हमारे अशकों पर वो वक्त वे लगाने निकले हैं चूंकि हमारे हिंदुस्तान का माहौल बड़ा अजीब व गरीब है भाई साहब जिस कलर का कुर्ता पहने हैं वही कुर्ता हम भी पहने हुए हैं शेर सुनिए पेश करता हूँ भैया शेर हुआ है लफ्ज सुनिए वो जलते हैं अंगारों से हम चलते गए अंगारों पे वो जलते गए अंगारों से हम चलते गए अंगारों पे वो आग लगाने निकले गए हम आग बुझाने निकले गए वो आग लगाने निकले गए वो जलते हैं अंगारों से हम चलते हैं अंगारों पे वो आग लगाने निकले हैं हम आग बुझाने निकले हैं ये शेर खास तवज्जो जरा सा लगे है पहला मिसरा खास तौर से भाई फरोख साहब हमारे मोहम्मदाबाद से बहुत दूर दराज से लोग आए हैं मैं किन किन बस्तियों का नाम लूं लेकिन जितने भी लोग आए हैं वो जश्न मौलूद हरम में हैं शेर सुनिए शबीर के मातम से दूरी शबीर के मातम से दूरी है उनके लहू की मजबूरी शबीर के मातम से दूरी है उनके लहू की मजबूरी मातम को ये बिदअत कह कह के कातिल को छुपाने निकले गए शबीर के मातम से दूरी है उनके लहू की मजबूरी मातम को ये बिदअत कह कह के कातिल को छुपाने निकले हैं मातम को ये बिदअत कह कह के कातिल को छुपाने निकले हैं ये दो शेर इस मनकबत का हासिले कलाम शेर होगा अब यहाँ से शायरी सुनिएगा आप ग्राम की दुआओं के साथ चौथे इमाम के लिए और जनाबी असगर अलैहिस्सलाम के लिए शेर सुनिए आपके दिलों तक उतरेगा भैया ये कर्बला के हैदर हैं ये कर्बला के हैदर हैं अंगड़ाई अले के झूले से कदमों को जमीन पे रखे बिना
ظالم کو مٹانے نکلے گئے قدموں کو زمین پہ رکھے بنا ظالم کو مٹانے نکلے گئے سجاد پہن کے توق گراں قاتل کے محل تک آ پہنچے ذرا سا لگے شاعری ہوئی ان مصروں میں سجاد پہن سجاد پہن کے توق گراں قاتل کے محل تک آ پہنچے جس بیعت کا سر اٹھا تھا اس سر کو جھکانے نکلے گئے جس بیعت کا سر اٹھا تھا اس سر کو جھکانے نکلے گئے ہم لوگ علی کے دیوانے تقدیر بنانے نکلے گئے صلوات وہ چونکہ مولانا سید نور الحسن صاحب قبلہ ہمارے قوم کا تخار تشریف لا رہے ہیں اور مولانا صاحب بھی پیچھے پیچھے ہیں ایک صلوات پڑھیے بابا سے بولا بس کریں گے ہاں چند دو شعر اللہ ایک وہی جو آپ لوگوں نے بھیا حکم دیا ہے جب تک بیٹھ رہے ہیں لوگ اے بہو یا علی 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 پکری میں جشن غیدر کر رات پکری میں جشن غیدر کر رات پکری میں جشن گئے درے کر راج جو اس بغض رکھتا گئے بیمار آج یا علی دو لائن دو لائن یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی اب پورا امبیڈکر نگر شامل ہوگا پورا ہندوستان شامل ہوگا آئے علی تو کعبے کا منظر بدل گیا آئے علی تو کعبے کا منظر بدل گیا یا یوں کہوں بتوں کا جنا علی ہم تو سمجھے $100 دے رہے ہیں آپ ایسا کر کے ایک صلوات پڑھیے باوز بلند آخری مطلب یا علی یا علی یا علی یا علی بس آخری چونکہ آپ کا سنا ہوا ہے یہ آخری ہے وہ اور ہوں گے وہ اور ہوں گے جن کو خلیفہ پسند ہے وہ اور ہوں گے جن کو خلیفہ پسند ہے ہم کو تو بس غدیر کا مولا پسند ہے یا علی